Hello everyone, welcome to my channel Aastha's Amazing Science. So today we will talk about temperature. जैसे हम लोगों ने इससे पहले जाना था वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में, और मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड के नेगेटिव इफेक्ट्स भी बताए थे, तो उन सब में मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया था. हर एक वीडियो में मैंने आपको टेम्परेचर से रिलेटेड ही बताया था. हर एक वीडियो में टेम्परेचर आपको आपने सुना था, लेकिन क्या आपको पता है टेम्परेचर क्या होता है? डोंट लेट सी. ओके, सो टेम्परेचर क्या होता है? ओके, सो टेम्परेचर जैसे जो आप फील करते हैं, हर दिन जो आप फील करते हैं उसे हम लोग टेम्परेचर कहते हैं. जैसे कि आप हॉट, कभी हॉट फील करते हो, कभी कोल्ड फील करते हो, तो उसे हम लोग टेम्परेचर कहते हैं. ओके, सो अब एटमोसफियर में मैंने आपको बताया था एटमोसफियर वाले वीडियो में कि किस तरीके से एटमोसफियर एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है एंड वो ट्रैप कर लेता है हीट को. तो ये सब मैंने आपको बताया था. सो क्या था, क्या होता है कि दिन में और रात में, जैसे हमारा टेम्परेचर दिन में और रात में दोनों अलग हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है रात में और दिन में थोड़ा ज्यादा रहता है. वैसे ही सीजन वाइज सीजन भी टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं. ओके, सीजन वाइज सीजन भी टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं. जैसे कि अभी समर है, फॉर एग्जाम्पल अभी समर है, तो इस समय हॉट टेम्परेचर जो है वो हॉट है, लेकिन जब विंटर आएगा तब का टेम्परेचर कोल्ड हो जाएगा. ओके, अभी का टेम्परेचर हॉट है, लेकिन जब विंटर आएगा तब टेम्परेचर कोल्ड हो जाएगा. सो ये कैसे होता है? जैसे कौन इस टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? वो सन कंट्रोल करता है. इधर से जो इंसुलेशन में क्या होता है, इंसुलेशन वो होता है जो सोलर एनर्जी होती है. ये अर्थ है, ये सन है. ओके, सो अर्थ क्या, जो इक्वेटर इक्वेटर है यहाँ पे, सो क्या होता है कि वहां से रेज डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती है, 0 डिग्री पे पड़ती है. ओके, रेज तो केवल इधर ही पड़ेंगी क्योंकि यहीं पे सन है, इस साइड सन है और इस साइड तो मून होगा. ओके, सो ये अर्थ है. सो जो सन की रेजेस होंगी, सोलर रेजेस होंगी, वो डायरेक्ट इक्वेटर पे ही पड़ेंगी, डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ेगी, तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा. ओके, सो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा. अब इक्वेटर में आप देख सकते, समझ सकते हैं, अफ्रीका जो है वो सबसे बीच में आता है, यहीं पे अफ्रीका आता है बीच में ही. सो क्या होता है, वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा, वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट है. ओके, सो इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है. जहां पे डायरेक्ट सन रेजेस पड़ेंगी वहां का तो टेम्परेचर ज्यादा होगा ही. एंड अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि क्यों पोल्स जो होते हैं, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, इन पोल्स पे टेम्परेचर क्यों कम रहता है एंड यहाँ पे क्यों स्नो रहती है. समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि जो सन होता है वो उसकी रेजेस डायरेक्ट इक्वेटर पे आते हैं एंड मिडिल ऑफ दी अर्थ 0 डिग्री पे ही एकदम ज्यादा आती है. इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा ठंडा रहेगा, मौसम ठंडा रहेगा. सो इसीलिए यहाँ पे बर्फ से ढका हुआ रहता है. ओके, सो अब एक और क्वेश्चन आता है कि जो विलेजेस होते हैं, विलेजेस में एटमोसफियर वहां पे टेम्परेचर कम, थोड़ा कम रहता है सिटीज के मुकाबले. सिटीज में बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है ना, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पहली बात कि सिटीज में जो बिल्डिंग्स होते हैं वो चिपक चिपक के एकदम ऐसे बने हुए रहते हैं, हाउसेस एंड सीमेंट से बने होते हैं. तो जो सन की रेजेस आती हैं वो सीमेंट से जो बने होते हैं वो ट्रैप कर लेते हैं एक तरह से. ओके, सो क्या होता है कि वो उसमें हीट हो जाती, हीट भर जाती. रोड्स जो होती है, रोड्स होते हैं, रोड्स भी एक ऐसे मटेरियल से बनी हुई है जिससे जो क्या करती, हीट को ट्रैप कर लेती. तो इससे क्या होता है कि दिन में तो गर्मी रहती है एंड रात में भी गर्मी रहती है, क्योंकि जो रोड होती, बिल्डिंग्स होती, वो हीट को ट्रैप किए हुए रखती है. ओके, सो और विलेजेस में ट्रीज एंड क्रॉप्स ये सब ज्यादा होते हैं, इस वजह से
विलेजेस में, और विलेजेस में सारे घर सीमेंट के होते नहीं, कुछ घर सीमेंट के होते, कुछ लोग हार्ट्स बना के रहते। सो इस वजह से सिटीज में ज्यादा टेम्परेचर रहता है विलेज के मुकाबले। ओके सो यही था हमारा टेम्परेचर, ये हमारा टॉपिक था टेम्परेचर। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको एयर प्रेशर के बारे में बताऊंगी। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय।